इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और जो प्रीवियस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे हमने जो लेक्चर जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें आपने उसको समझा होगा कि एक चार्ज बॉडी है, वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और जब ये कर रहा होगा तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, है ना। तभी वो अट्रैक्शन जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं ऑब्जेक्ट जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं। तो जो स्पेस है वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर वो फोर्स को फील करते हैं। उसके बाद जो वेंडेग्राफ जनरेटर है उसको हमने डिस्कस किया था, और साथ में एक हमने थंडरस्टॉर्म को भी। तो ये बेसिकली क्या है, ये चार्ज जो है, जो जो क्लाउड है, थंडरस्टॉर्म है, जो चार्ज थे ये क्या हो रहे हैं, अब ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल है वेंडेग्राफ जनरेटर का। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने चार्ज को अलग अलग किया, सही है, उसी का यूज़ किया। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कह सकते हो इसको, या इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर थ्रू रबिंग या फ्रिक्शन से, है ना। तो यहाँ पर चार्ज को अलग अलग किया, तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और जब इसको एक इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, चार्ज जो है ये एयर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो जो बेसिकली जो इसमें जो चार्ज पार्टिकल जो मूव करते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, एटम कभी मूव नहीं करता है। जो जो पॉजिटिव चार्ज के जो पॉजिटिव वाले हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एटम। ये कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, पर वो होता किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस है एटम के अंदर। तो एटम तो मूव नहीं करता है, क्योंकि एटम जो है किसी मटेरियल या कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो लैटिस है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलके उसकी पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट बनती है किसी भी मटेरियल की या मैटर की। तो एटम तो अपनी लैटिस को छोड़ के जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा तो वो पूरा का पूरा जो आ, आ, हमारा जो मटेरियल है वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही मूव करते हैं, ठीक है, तो मटेरियल मूव नहीं करता है। यानी एटम का मतलब है यहाँ पर फिर मटेरियल ही हो गया। तो मटेरियल मूव नहीं करता है, सिर्फ उसके जो पार्टिकल हैं, एटम के जो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वही मूव करते हैं। तो यहाँ पर अब दोनों चार्ज बॉडी हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉडी से मूव करेंगे पॉजिटिव की साइड, सही है, तो अट्रैक्ट करता है। तो जो अट्रैक्शन में है ना, तो जो बेसिकली क्या है, जो अट्रैक्ट इसलिए करता है कि वो अपने को चार्ज न्यूट्रल करना चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो चार्ज्ड है तो वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो अपने को चार्ज न्यूट्रल करना चाहता है, ठीक है। और ऐसे ही सेम वो जो अगर सेम चार्ज वाला है तो उसको वो रिपेल करता है, क्योंकि वो उसको न्यूट्रल करेगा ही नहीं तो उसको वो रिपेल करता है। अब आते हैं, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, जो ये पिक्चर देख रहे हो इसमें क्या है, ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं, है ना। तो ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो है ये जो स्पार्क जनरेट हो रहा है, तो स्पार्क में क्या हो रहा है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो एयर के थ्रू, तो यहाँ पर जो कंडक्टर है वो मीडियम है एयर, तो एयर बैड कंडक्टर है, ठीक है, पर चार्ज इतना ज़्यादा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एयर में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो एयर है उसको क्या करते हैं, आयनाइज करके, ठीक है, तो उसको आयनाइज करते हैं और वो अपना पाथ जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें फ्लो करते हैं। तो जो ये पाथ है एयर में जब ये मूव कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है, हीट और लाइट और साउंड, तीनों चीज़ है ना, तो वो तीनों चीज़ें यहाँ पर यहाँ जनरेट हो रही हैं, ठीक। तो इस तरह हमें ये स्पार्क लग रहा है। अच्छा, अब इनकी जगह अगर मैं कोई वायर कनेक्ट कर दूँ, तो ये ऐसा है जैसे कि कोई बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया और नेगेटिव टर्मिनल ये वाला हो गया, ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो बैटरी भी इस तरह की ही होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को वैसे हम किसी कई तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और तो यहाँ पर ये रबिंग वाला है तो ये भी एक बैटरी की तरह ही काम करेगा, इस मोटर को चलाते रहेंगे, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से, चाहे उसको आप हैंड से एक हैंडल लगा के उससे चलाते रहें, ठीक है। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली। तो ऐसे ही जो एनर्जी की जो फॉर्म है वो कई तरह से चेंज होती हैं, ठीक है। तो एनर्जी को ना तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो लॉ है ही, ठीक है। बस हम क्या कर सकते हैं, उसका जो फेस है, जो उसकी फॉर्म है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको हम चेंज कर सकते हैं।
तो मैकेनिकल एनर्जी दी है इसको, इसको मूव कराया और इसको फ्रिक्शन से जो चार्ज हैं दोनों अलग अलग हुए और ये हमारा अब जो है ये बन गई, अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो जनरेट हो रही है यहाँ पर जो स्पार्क है ये सब इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो अब ये एक बैटरी फॉर्म में है, अब इसमें अगर हम एक कंडक्टर कनेक्ट कर दें ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वायर के इलेक्ट्रॉन और ये सब फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट है वो इसके अपोजिट मूव करता है ठीक है। तो करंट को जो प्रायर जो कन्वेंशन था उसमें ये माना गया कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं सही है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है इधर छोटा वाला, तो ये माना गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करते हैं ठीक है। पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो है एटम, प्रोटॉन है और वो एटम के अंदर है, तो वो तो अपना उसको छोड़ के जाएगा नहीं मटेरियल को, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। पर एक बात ये भी है कि जब अगर नेगेटिव इधर आ रहा है, ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन जो है सब नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव भी इधर ही जाएगा। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव आ रहा है इस साइड में, तो इस साइड में पॉजिटिव जाएगा ठीक है, उतना पॉजिटिव दूसरी साइड में जाएगा है ना। तो ये जो कन्वेंशन है, ये जो माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज मूव पॉजिटिव पार्टिकल मूव करते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल मूव नहीं करते, पर पॉजिटिकल जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो मूव कर ही रहा है ना, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, तो फिजिकली कोई मूव नहीं कर रहा पॉजिटिव पार्टिकल, सिर्फ जो नेगेटिव है वही मूव कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव एक साइड से इस साइड से इधर आ रहा है ठीक है, कोई नेगेटिव, तो उतना ही पॉजिटिव उधर भी तो जा रहा है ठीक है, वो अलग बात है पार्टिकल नहीं जा रहा, पर नेगेटिव अगर इधर कोई पार्टिकल आ रहा है तो चार्ज तो पॉजिटिव भी उधर जा रहा है ना, उधर से तो कम हो रहा है ना नेगेटिव, समझ रहे बात। तो इस तरह का है ये कन्वेंशन, तो इस तरह बैटरी की शेप ली। अब ये जो है जो करंट जो आया, तो अगर मैं यहाँ पर ये थ्रू एयर, तो करंट मूव कर सकता है थ्रू एयर भी मूव कर सकता है, थ्रू वाटर भी मूव कर सकता है ना, और थ्रू कंडक्टर भी मूव कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई वायर कनेक्ट कर दूँ इन दोनों के बीच में, तो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है तो इसके लिए एक सर्टेन चार्ज चाहिए इन दोनों पे है ना, और सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए। पर अगर मैं एक यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दूँ इस डोम से इस डोम के लिए, एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर वायर, तो चाहे वो कॉपर का हो चाहे एल्यूमिनियम का हो, तो फिर मैं इसको कितनी दूर भी रख सकता हूँ, वो मेरा चार्ज इस वायर के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा ठीक है। तो ये जो चार्ज जो मूव हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं चार्ज। तो जो चार्ज जो मूव हो रहा है ठीक है, इसको बोलेंगे करंट, फ्लो ऑफ करंट ठीक है। तो अब करंट क्या हुई, द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट एट विच चार्ज पास ए गिवन पॉइंट ठीक है। तो चार्ज जो पास होते हैं उसको हम रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ पासिंग चार्ज ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट है तो इसको डिनोट करते हैं आई से, और आई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा चार्ज है सही है, तो क्यू मतलब चार्जेस हैं है ना, तो एक चार्ज को हम इंडिकेट करते हैं क्यू से सही है। और जो टोटल चार्ज है तो उसको कितना हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई क्यू से करें, तो वो बन गया हमारा क्यू, कैपिटल क्यू, तो ये बन गया चार्ज ठीक है। तो जो चार्ज पास हो रहा है सही है, और इसके लिए हम एक टाइम का बाउंड भी बनाएंगे सही है, तो पर यूनिट टाइम सही है, द रेट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम सही है, नोन एज करंट, सिंपल डेफिनेशन हो गई। तो आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई टी। अब आते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि बैटरी मतलब आप चाहे इस तरह बनाएं बैटरी को, चाहे आप वो केमिकल बैटरी यूज़ करें, तो केमिकल से भी एनर्जी बनती है ठीक है। तो जैसे हमारा सेल है, ड्राई सेल है, वो केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक। तो अब इसको आगे और डिस्कस करते हैं, तो मैं इन चीज़ों को अब हटा लेता हूँ, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, तो जैसे कि हमारा करंट को हमने यहाँ पर इसको कोई हमने वायर लिया और हमने यहाँ पर बैटरी लगाई ठीक
ठीक है, तो ये कोई कंडक्टर है, ठीक, और इसको हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया और यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा रखी है। तो बैटरी क्या हो या इसको वेंडेज ग्राफ जनरेटर का हो, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव होंगे वो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है कंडक्टर के अंदर वो सब इलेक्ट्रॉन है ना। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री मूव करते हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रीली वो रैंडम मोशन में जाते हैं, कभी इधर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सही है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। तो नेट जो चार्ज है, जो मूवमेंट है चार्ज का, वो जीरो होता है, ठीक है। तो रैंडम मोशन करते हैं, पर जब उस पर कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई की, वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन की, वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो डायरेक्शन क्या होगी, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इधर भी और बैटरी तक जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि इस पर नेगेटिव रिच है ये, है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलते रहेंगे और थ्रू वायर वो जाते रहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, और यहाँ इसको कंपनसेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह चलता रहेगा। तो जो जितने भी किसी भी पॉइंट पे, अब यहाँ पर चार्ज को, इसको हम कितना चार्ज फ्लो हुआ है ना, तो पर यूनिट टाइम हम इसको देखते हैं, तो पर यूनिट टाइम में हम सेकेंड को लेकर चलते हैं। तो आई का जो एस आई यूनिट है वो है एम्पियर। तो एक एम्पियर कितना होगा, सही, तो एक एम्पियर है आई इक्वल्स टू, अगर वन जो चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट है वो है हमारी कोलाम, सही। तो उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे इसको कोलाम बोलते हैं, COULOMB, सही है, ये यू है, तो कोलाम बोलते हैं, चार्ज की यूनिट है कोलाम। तो ये चार्ज की यूनिट हो गई, ये करंट की यूनिट हो गई, ठीक, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, ये सेकेंड ले लिया। तो अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 1 कोलाम का चार्ज भी फ्लो होना चाहिए पर यूनिट टाइम, तो 1 सेकेंड में, तो ये इक्वल टू होगा 1 एम्पियर के, समझाया। अब इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए 1 कोलाम चार्ज के लिए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सही है, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलाम, ठीक है। तो 1 कोलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹, तो इक्वल्स टू आया 0.625, ऐसे कुछ अराउंड आएगा 10⁻¹⁹। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कोलाम चार्ज के लिए पर सेकंड फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए एन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गई एन की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू ये है ही, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो पर यूनिट चार्ज इतना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, तो आई इक्वल्स टू, तो चार्ज कितना होता है इसमें, मैंने क्यू लिखा, क्यू डिवाइड बाई 1 सेकेंड, और क्यू इक्वल्स टू होता है एन क्यू, और क्यू जो है ये, यहाँ पर ई जो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एन क्यू डिवाइड बाई 1 सेकेंड, तो एन कितना हुआ, 0.625 × 10⁻¹⁹, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया हमारा 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलाम, ठीक है। तो कोलाम डिवाइड बाई सेकेंड इक्वल्स टू बनता है एम्पियर, तो ये बना हमारा 1 एम्पियर। तो ये है हमारा करंट, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं, तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसका आपको फीडबैक देना है, कमेंट लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। चलिए, थैंक यू।